दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, चुनाव आता है तो वही अपने फेवरेट एंकरों और संपादकों को बिठाकर वही इंटरव्यू होते हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, टॉनिक कौन सा लेते हैं एंड ऑल दैट। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली बात थोड़ी है कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश के तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं, हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तो हमारे जैसे सामान्य पत्रकार सोच भी नहीं सकते कि सामने पीएम बैठे होंगे और हम उनसे सवाल पूछ रहे होंगे, पहले वाली बात नहीं रही है। इसलिए अब ले देकर पत्रकार को मोदी जी को कवर करना ही है तो दूर से उनकी कोई रैली देखकर उन्हें कवर करने का एक तरह से खुद को सांत्वना देनी पड़ती है कि चलो कम से कम मोदी जी को कवर करने का ये वाला सौभाग्य तो प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब तो उसे करने में भी एक अड़चन पैदा हो गई है क्योंकि अब पीएम मोदी की रैली में पत्रकारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। शायद ही ऐसा कभी आपने देखा या सुना होगा जो अब देश में हो रहा है कि पीएम की रैली कवर करने के लिए पत्रकारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दोस्तों, हिमाचल में अगले कुछ महीने में चुनाव है, आप जानते हैं, तो पीएम मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल के बिलासपुर में एम्स कैंपस का उद्घाटन करने के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन ने ये कहकर एक नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि भाई पत्रकार जो लोग हैं वो पीएम का दौरा तभी कवर कर सकते हैं जब वो अपना चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्थानीय प्रशासन को दें। और सुनिए, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, केवल प्रिंट, डिजिटल या टीवी के पत्रकारों को नहीं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसे सरकारी पत्रकारों को भी देना होगा। दोस्तों, मुझे 15-16 साल हो गए पत्रकारिता में, मैंने आज तक ऐसा कभी होते ना देखा ना सुना। पत्रकारों को उनका काम करने के लिए उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वाह जी वाह। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने इस अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि 22 साल की पत्रकारिता करियर में उन्होंने पहली बार इस तरह का कोई आदेश देखा है। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि आदेश साफ तौर पर मीडिया की आजादी पर हमला है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ ना तो कोई रिपोर्टर बोल रहा है ना कोई एंकर, और संपादक की तो खैर चू करने की क्या ही हिम्मत होगी। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन ने पत्रकारों से तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लिया, लेकिन जो लाखों की भीड़ पीएम मोदी को सुनने आएगी उनका क्या? उनका तो कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ना कोई वेरिफिकेशन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मतलब लाखों लोग पीएम मोदी के सामने बिना किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोदी मोदी के नारे लगवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बिन बुलाए आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर पत्रकारों को पहले अपना चरित्र का प्रमाण पत्र देना होगा, तब जाकर वो पीएम की रैली कवर करवाएंगे। बताइए, इन 8 सालों में इन पत्रकारों ने इतनी गोदीगिरी की, सिला क्या मिला? अपनी साख गिराई सो अलग, और अब उस गिरी हुई साख का प्रमाण पत्र देना होगा तो अलग। आपको स्थानीय प्रशासन का ये फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इस वक्त हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।